क्या वही बोल रहा, क्या हुआ? राइडिंग करने निकले हो तो तरीका से वही बोल रहा है, तरीके से तुम भी चलाओ, कट मत मारो, पीछे भी देखो गाड़ी आ रहा है। सो गुड मॉर्निंग, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो गया है 9:28, तो अभी बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मीटअप पॉइंट था मेरे अपार्टमेंट में, तो एक बाइक आ गया है, एक और ये रहा मेरा बाइक, लगेज वगैरह बन गया है, और एक बाइक अभी और आ रहा है, वो भी कचौड़ी वचौड़ी खा रहे हैं नाश्ता शहर से, पहुँच ही रहे हैं क्योंकि लेट हो गया थोड़ा, तो ब्रेकफास्ट वो कर ले रहे हैं, बाकी हम लोग भी करेंगे जाके रास्ते में। सो इसमें GoPro बस सेट कर लिए हैं, माइक है नहीं, और ये रात के लिए फॉग लैम्प, वो भी इसका स्टॉक काम नहीं आता है रात को लाइट, बाकी ये ऑफ रोड टायर डला हुआ है, और ये फुटरेस्ट मैंने नया डाला है, ये ऑफ रोडिंग के लिए, और ये निकल भी जाता है, इसमें भी स्क्रू से कसना है, चेन क्लीन हो रहा है, ये बहुत क्वालिटी खराब टूट भी गया, ब्रश नहीं कल ले गया 100 रुपये का टूट भी गया श्याम ऑटो से। ठीक है, आप लोग आगे निकलिए, मिलते हैं। ठीक है, विक्की बाबू की वजह से लेट हो रहा है, और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश मिलेगा। ठीक है, छोड़ो, आ गए हैं के सरताज, डेढ़ घंटा पटना पहुंचने के बाद देखो जो ट्रेन पहुँच रहा था, क्या करते बताइए। हेलो ब्रो, सो आपके लिए हेलमेट लेके आएगा, कहाँ का ही लगाना है? चलिए, ये वाइट हेलमेट का मेरे वाइजर के पास लगा दे। हाँ हाँ, तो निकल रहे हैं, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गया, यहाँ पर बैग बन गया है, चलिए एक बाइक ऑलरेडी निकल चुका है, वो हम लोग को भगवानपुर में आगे भगवान निकल गए आगे, वो लोग पॉल्यूशन वॉल्यूशन कराने, चाबी दीजिए इसका चाबी, तो पॉल्यूशन वॉल्यूशन करा के वो लोग आगे पेट्रोल लेके फिर वो लोग मिलेंगे, चलते हैं। चलिए हर हर महादेव निकला जाए। अभी यहाँ पे साहू मिष्ठान भंडार ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चल गए हैं और यहाँ पे रुके हैं, 10 साल के बाद 30 साल भी हमेशा का यही स्टॉप होता है पहला, अगर मुजफ्फरपुर वाले साइड से जाते हैं कहीं पर। एक और बाइक का वेट किया जा रहा है राजू भैया का, वो थोड़ा पीछे चल रहा है। धीरे धीरे, कोई दिक्कत? मस्ती की चाल में हैं। सो आ गए यहाँ पे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर दरभंगा वाले रूट पे रुका जाएगा एक बार। ये है पांचवा मेंबर, ठीक है, ऑल ऑफ सडन ये तो है, ये है कैसा लग रहा है? 40 किलोमीटर में ही तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा।
ठीक है 40 किलोमीटर में थक गए थोड़ा, यहाँ पे होते हैं भूख लगा है, ये भी कच्चा मिठाई खाया जाए, कच्चा मिठाई प्याज पका हुआ, प्याज पका हुआ डाले, सो लिट्टी खा लिए हैं, चाय किसका किसका है, तो 5 मिनट का बारिश हो चुका है, पकड़े हुए भाई खो, तो रेनकोट पहनना है कि नहीं, अभी नहीं पहनना, आपको नहीं पहनना है तो हमको क्या, किसी को नहीं पहनना है, गर्मी लगेगा अब सबको, हो गया इतना ही बारिश था, क्या वही बोल रहा, क्या हुआ राइडिंग करने निकले हो तो तरीका से राइडिंग, वही बोल रहे हैं तरीके से, तुम भी चलाओ कट मत मारो, पीछे भी देखो गाड़ी आ रहा है, हम भी देख के चला रहे हैं, कट मारो तभी बोल रहे हैं, मारते ना अभी, सो ये बंदा अभी लेफ्ट चल रहा था और अचानक से एक सामने गड्ढा मिला, तो उसने अचानक से बहुत अजीब तरीके से राइड को कट मारा और मेरे बाइक से ऑलमोस्ट सटते सटते बचा, बट मैंने ब्रेक मार के बचा लिया, देन उसके बाद मैंने उसे बोला कि आप हाईवे पे अचानक से पीछे बिना देखे आप कट नहीं मार सकते हो किधर भी, क्योंकि पीछे से हम लोग भी तेज आ रहे हैं। सो अभी है यहाँ पे दरभंगा जो इधर से रूट कटता है मुजफ्फरपुर से आगे, और वेट कर रहे हैं काजू भैया, अमरजीत भैया और गौतम का, और वो दोनों बहुत पीछे हैं, बारिश में रुक गया था कुछ ज़्यादा देर, हम लोग बारिश में रुके नहीं क्योंकि थोड़ा दूर बारिश होता है, तो वो लोग रुकने की वजह से पीछे थोड़ा फंसे हुए हैं, तो उन लोग को लगेगा 10 किलोमीटर पीछे हैं, 14 किलोमीटर पीछे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वीक लेटर, और अभी तक उन लोगों का कोई आता पता नहीं है, ग्रुप राइडिंग में यही होता है थोड़ा, यही सब चीज़ को आपको बस झेलना पड़ेगा ग्रुप राइड में, और सोलो या डबल एक साथ एक बाइक पे, तो आपको ये ज़्यादा किसी का वेट करने का ज़रूरत नहीं है, अपना निकलते जाइए जहाँ जाना है, बाकी दूसरों का वेट अब कीजिए, बस इसी वजह से थोड़ा लेट भी होता है ग्रुप राइड करने में, कहीं पे भी पहुँचना होता है जिस टाइम पे उस टाइम पे पहुँच नहीं पाता। 5 minutes later. अरे हैं? ठीक समय पर नहीं किया जल्दी। नहीं तो। इन्हें लगाई नहीं ने? दिक्कत वही है साइलेंसर सटा दिए पूरा। साइलेंसर सटा जल गया पैकिंग करता हूँ कपड़ा वाटर ठीक ना ना, तो उतना से फर्क नहीं पड़ेगा, उतना से फर्क नहीं पड़ेगा, टेप मार देंगे और क्या, यहाँ टेप एक टेप एक टेप लेके टेप मार दिया जाएगा, तो यहाँ पे रुके हैं अभी थोड़ा लाइन अप करके, एक दो थंबनेल ले रहे हैं और कुछ फोटो साथ में, अभी तक कोई स्टोरी नहीं डाले इंस्टा पे ना कहीं पे भी कोई पोस्ट नहीं हुआ है, सो अभी एक दो सेल्फी लेके पोस्ट वोस्ट करेंगे फिर निकलते हैं यहाँ से दरभंगा, दरभंगा यहाँ से 50 किलोमीटर है आई थिंक, 50 हाँ 50 किलोमीटर है यहाँ से, सो वहीं पे कुछ लंच वंच करते हैं, यहाँ जल गया मेरा डिफेक्ट हो गया, जला भी लिए हैं, एक्सीडेंट हो गया यहाँ, जल गया ये साइलेंसर, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड का ये सब टीका है, लगते रहना चाहिए, चलिए फिर निकलते हैं। बेकार है भाई वो, कि उसमें प्लास्टिक है नहीं है, वो बस नाम का बंधा हुआ है, चलो आगे देखेंगे।
हम तो एक जगह खाए थे जो लास्ट टाइम हमको याद है, वो टोलटेक्स के जस्ट सटे हुए में, टोलटेक्स पार करने के बाद आगे है, लेकिन वही कितना आगे हमको ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा खाना है, बहुत सही है। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. So, अभी यहाँ पे आए हैं। सावन में भी अपन खा ही रहे हम लोग, मटन चिकन चलेगा। भूख लगा हुआ है, लिट्टी खाए ना रे। बाइक पे ज्यादा राइड करते समय ज्यादा खाना नहीं चाहिए। आफ्टर ब्रेक, आफ्टर ब्रेक कैसा लग रहा है? काजू भैया कौवा स्नान, ये दोनों का जूता भिगा चुके हैं। हम लोग का जूता सूखा हुआ है, एकदम ड्राई। ये कैसे हुआ आपका? ये तो चल यूज होते होते आज से, आज थोड़ी यूज हो रहा है। अरे जूता तो, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे इंस्टेंट रोटी बनेगा, मटन बना हुआ है, फिर मटन खाया जाएगा। यहाँ से 200 किलोमीटर और है सिलीगुड़ी। पानी गिर रहा है ना, वो ऊपर आ रहा है वापस, वही है रिसाइकल हो रहा है। बात ये कि फिल्टर होके निकल रहा है, फिल्टर होके चापाकल का। आप लोग तो सावन में भी नहीं छोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, खाना तो पड़ेगा ही। एनफील्ड मत लिया कीजिए, सब झुनझुनना है, बार बार झुनझुनना बस। यार पहले भी यही इशू आया था, ठीक हो गया था, चेंज करवा देंगे आप। यहाँ पे बना नहीं, अब कल देखते हैं सिलीगुड़ी में ही। अब सुबह कहीं हॉर्न मिलता है तो लगा लिया जाएगा। चलो कल एक हॉर्न खोजना पड़ेगा। हाँ नहीं एक ही था, एक ही हॉर्न है। बारह बारह हो रहा है और अभी जस्ट नहा के निकले हैं, एक दो घंटा पहले पहुंचे थे। सो ये वीडियो मैं अभी घर पे पहुंच के शूट कर रहा हूँ, और इसमें ये बता दूँ कि सिलीगुड़ी मैं रात को पहुंच गया था 10:30 बजे। तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी नक्सलबाड़ी के बाद से ही। सिलीगुड़ी वहाँ से 15-20 किलोमीटर था, तो तेज़ बारिश में ही हम लोग भीग के होटल जैसे ही एक दिखा तो हमने वहाँ पे बाइक लगाया और जल्दी से जाके देखा तो कंफर्म भी हो गया, बाइक भी, ये होटल भी अच्छे प्राइस में मिल गया हमारे को। एक ही रूम में सब लोग
एडजस्ट हो गए, और नहाने के बाद का फिर आप वहाँ से वीडियो आप देख लेना। और हाँ, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पटना से सिलीगुड़ी का राइड रहा फर्स्ट डे का, तो इसके बाद नेक्स्ट डे का जो भी राइड का आएगा वो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का आएगा, तो उसमें थोड़ा ड्रोन शॉट्स भी मिलेगा, थोड़ा आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे देखने को, माउंटेन्स, थोड़ा अच्छा सीनिक व्यू रहेगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और क्या इम्प्रूव कर किया जा सकता है इसमें। और हाँ, इसी तरह अब मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो डालूँगा, और आप लोग भी ज़रूर थोड़ा सपोर्ट करें। मैंने अभी मेरा चैनल मोनेटाइज तो हुआ नहीं है, अभी थोड़ा मेहनत लगेगा इस पर, और तो धीरे धीरे करेंगे इस पर मेहनत, तो फिर देखते हैं आगे का ब्लॉग जो कल या परसों तक मैं डाल दूंगा एडिट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आलसी ट्रैवलर ब्लॉग्स, सी यू अगेन।